हेलो गाइस, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले बैंक्स के बारे में, जो कि है RRBs या फिर रीजनल रूरल बैंक्स। RRBs की हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे तीन चार चीज़ें, जैसे कि हम पीछे करते आए हैं बाकी बैंक्स में भी। हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंट्रो के साथ, RRBs है क्या, कहाँ से आए वगैरह। उसके बाद थोड़ी सी हम RRBs की हिस्ट्री देखेंगे। RRBs एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब है रीजनल रूरल बैंक्स। हम इंट्रो देखेंगे, स्ट्रिक्ट हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री के बाद RRBs के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम लोग जाएंगे इसके स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारा शेयर होल्डर स्ट्रक्चर है, ना कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद हम इसके देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लास्ट में हमारे इसका आएगा रोल, फंक्शंस या फिर इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं RRBs की। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं RRB के इंट्रो, RRBs है क्या, RRBs को क्यों लाए वगैरह, सारी चीज़ें हम लाइन से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ जान लेते हैं, RRBs को हम बोलते हैं ग्रामीण बैंक। ग्रामीण क्यों बोला वो चीज़ भी समझ लेते हैं। ग्रामीण मतलब होता है विलेज या फिर गांव। RRBs जितने भी है मेरे सारे विलेजेस वगैरह में ही मिलते हैं, वहाँ पे ही ये सारे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो RRBs को ग्रामीण बैंक भी बोला जाता है या फिर बैंक ऑफ द विलेजेस वगैरह वैसे भी हम लोग बोल सकते हैं। RRBs को लाने का हम आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लाइक उनकी क्या हिस्ट्री वगैरह रही, बट RRBs को थोड़ा हम एक ओवरव्यू में समझ लेते हैं। RRBs बेसिकली मेरे गवर्नमेंट की ऐसी एंटिटीज़ है जिनको मैंने माइक्रो लेवल पे सेटअप किया हुआ है, ताकि पर्टिकुलर उस एरिया पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। RRBs को या रीजनल रूरल बैंक्स को हम सिर्फ इसलिए लाए थे कि जितने भी मेरे स्मॉल सेक्टर फार्मर्स वगैरह, स्मॉल जो मेरा प्राइमरी सेक्टर है जिसमें जितने भी मेरे फार्मर्स वगैरह इंडल्ज है, उन सबको मैं फाइनेंस वगैरह के लिए हेल्प कर सकूँ। उसके अलावा जो भी मेरे विलेजेस में स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज वगैरह है, उन सबको फाइनेंस फैसिलिटीज़ RRB प्रोवाइड कर सके। टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल लेबर्स, लैंडलेस लेबर, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ विलेजेस, RRBs वर इस्टैब्लिश। RRBs वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज इट वॉजेंट फीजिबल फॉर RBI टू रीच ईच एंड एवरी विलेज और कॉर्नर ऑफ आर कंट्री एंड बी डायनामिक इन डिसीजन मेकिंग फाइनेंस नीड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, इतना समझ आ गया कि RRBs मेरे है क्या। बेसिकली ग्रामीण बैंक है जो गांव गांव में खोल दिए गए, ताकि जितने भी मेरे वहाँ पे स्मॉल फार्मर्स वगैरह या फिर कोई भी लैंडलेस लेबर वगैरह या कोई भी है, उन सबकी मैं फाइनेंस नीड्स वगैरह को मीट कर सकूँ। इंट्रो के बाद अब हम थोड़ा समझेंगे कि RRBs आए कहाँ से, इनकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई। तो अब हम लोग चलते हैं हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, RRBs के इंट्रो के बाद अब हम लोग चलते हैं RRB की हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री में अब हम देखेंगे RRBs मेरी आय कहाँ से थे। RRBs का एक चीज़ तो पहले समझ ले, RRBs नरासिम हम वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशंस पे RRB को मेरा कॉन्स्टिट्यूट किया था। अब इसका रीज़न क्या किया गया था नरसिम ग्रुप में, जब जो कि था ये मेरा था अराउंड 1970s के टाइम। इस ग्रुप ने क्या बोला कि जो मेरी इंडिया की पॉपुलेशन है जिसमें से 70% अभी भी रूरल पार्ट्स में रह रही है, रूरल इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करता है, इस इंडिया की डेवलपमेंट विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ दिस रूरल पार्ट पॉसिबल नहीं है। हमारी कंट्री ग्रो नहीं कर सकती, डेवलप नहीं कर सकती। तो नरसिम्हा ग्रुप ने क्या कहा कि इन सब की फाइनेंशियल नीड्स को मीट करने के लिए मेरे को RRBs को इस्टेब्लिश कर देना चाहिए। एंड इनकी रिपोर्ट के बाद ही गवर्नमेंट ने RRB का एक्ट लाया 1976 में और RRBs को एस्टैब्लिश कर दिया। एक रीज़न और दिया था नरसम वर्किंग ग्रुप ने, उसने ये बोला था कि जो मेरे ही रूरल पॉपुलेशन वगैरह है वो बैंकिंग वगैरह पे अभी इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करती, बल्कि अभी भी वहाँ पे मेरा जमींदारी सिस्टम वगैरह वो सब चला आ रहा है। तो अगर मेरे को उनके पास जो डिपॉजिट्स वगैरह है, जो उनके पास सेविंग्स वगैरह है, अगर वो मेरे को मेन स्ट्रीम में लेके आना है, उसके लिए बैंकिंग फैसिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वो चीज़ तभी हो सकती है जब भी मेरा जो भी इंस्टीट्यूशन है आए,
जो इंस्टीट्यूशन मेरा बन के आएगा वो लोकल एरिया के अकॉर्डिंग हो, और जो भी उसकी डिसीजन मेकिंग वगैरह हो लोकल बिलीफ वगैरह को लेके एड्रेस करे या वैसा चले। तो मेरे जो RRBs हैं, RRBs वगैरह उस पर्टिकुलर एरिया वगैरह के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। RRBs मेरे इस्टेब्लिश हुए थे आफ्टर रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976, जिसमें हमारा जो सबसे पहला RRB था, फर्स्ट RRB वाज प्रथम बैंक, प्रथमा बैंक था, जो कि 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जी का बर्थडे को इस्टेब्लिश किया गया था यूपी में, मुरादाबाद यूपी के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। एक चीज़ और, जो प्रथमा बैंक था वो मेरा स्पॉन्सर्ड बाय सिंडिकेट बैंक था। ये स्पॉन्सर्ड वगैरह मैं अभी आगे क्लियर करता हूँ ये क्या चीज़ है। ये आ गया, अभी जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर या शेयर होल्डर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उससे आप लोगों को समझ आ जाएगा सिंडिकेट बैंक। तो इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि होने को तो हमें ऑब्जेक्टिव्स लेना था, बट ऑब्जेक्टिव से पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, शेयर होल्डर स्ट्रक्चर क्या आता है इस बैंक का। छोटा सा टॉपिक है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, तो ये मैं बता देता हूँ। शेयर होल्डर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जो मेरा RRBs है, RRBs की फंडिंग 3 जगहों से डिवाइड होती है। RRBs को तीनों जिन जगहों का कंट्रीब्यूशन है, सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा मेरा आता है स्पॉन्सर बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट मेरा 50% शेयर देती है, स्टेट गवर्नमेंट मेरा 15% देगी, और बचा हुआ 35% मेरा स्पॉन्सर्ड बैंक देगा। ये इसका शेयर होल्डर स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम लोग चलते हैं RRBs के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। RRB के ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, समझते हुए चलेंगे क्या है। एक चीज़ याद रखना, जैसे कि मैंने पहली वीडियोज़ में बताया था, चाहे वो नाबार्ड हो, सिडबी हो, एग्जिम हो, SBI हो, जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वही मोर और लेस उसकी इंपॉर्टेंस भी होती है, फंक्शंस भी होते हैं, फीचर्स भी होते हैं, इंपॉर्टेंस भी होते हैं। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, अगर भूल जाते हो तो बस घुमा फिरा के लिख दो, मोर और लेस सारी चीज़ें सेम ही रहती है। अब ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में पहले, उससे पहले हम एक दो चीज़ें समझते हैं। गांधी जी ने बोला था कि लाइक जो रियल इंडिया है वो विलेजेस में रहते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं रियल इंडिया लाइज इन विलेजेस, तो इसलिए बोलते हैं कि लाइक जब तक हम अपने रूरल इंडिया की इकोनॉमी को अपलिफ्ट नहीं करेंगे हमारा नेशन डेवलप नहीं हो सकता, इसलिए हमारे RRBs है। RRBs का मेरा मेन मकसद यही है कि मैं कैसे भी करके जो भी मेरी रूरल इकोनॉमी है उसको बूस्ट करूँ। बूस्ट करने के लिए क्या करना है, जो भी मेरे डिपॉजिट्स या सेविंग्स वगैरह वहाँ पे विलेजर्स के हैं उनको मैं मेन स्ट्रीम वगैरह में लेकर आऊँ, और अल्टीमेटली उसको यूज़ करके जिन भी जनों को उस एरिया में फाइनेंशियल नीड्स हैं उनकी नीड्स को मीट करूँ, ताकि अल्टीमेटली वो अपनी ग्रोथ भी करें और मेरे नेशन की भी ग्रोथ करें। अब इनके हम ऑब्जेक्टिव्स की साइड चलते हैं RRBs के। सबसे पहला तो जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बोलता रहा हूँ, पहला क्या होगा, क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना टू फार्मर्स, लेबर्स एंड अदर वीकर सेक्शन, ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें मेरे को लगता है कुछ बताने की ज़रूरत है। सेकेंड, टू सेव पुअर फ्रॉम मनी लेंडर्स, जैसे कि मदर इंडिया एक फिल्म थी उसमें देखा था कि लाइक पीढ़ियों तक कर्जे चलते रहते हैं, वो वगैरह वो सारी चीज़ें मेरे को ख़त्म करनी है, ज़मींदारी सिस्टम वगैरह वो सब हटाना है। तीसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ रीजन, अल्टीमेटली मैं ग्रोथ वगैरह कैसे लाऊंगा, फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड किया, डेवलपमेंट लाया, इकोनॉमिक ग्रोथ मेरी आगे। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, भाई तुम्हारे पास आइडिया है लाओ मेरे को आइडिया बताओ मैं तुम्हें पैसे दूंगा, एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप आ जाएगी, पैसे की नीड मैंने मीट कर ली तो। उसके अलावा ट्रेनिंग वगैरह भी RRBs कई बार हेल्प कर देते हैं कुछ एरियाज में। पांचवा, रिमूव इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, थोड़ा सा हैवी वर्ड है बट इसका मतलब बहुत आसान है। हमने कितनी बार देखा है एक पर्टिकुलर एरिया में एक विलेज तो बहुत ज़्यादा डेवलप है, एक एकदम अंडर डेवलप है, तो उसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को ख़त्म करना भी मेरा RRB का ही काम है। ये मेरे छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव हैं जो कि याद हो ही जाएंगे। इसके बाद हम लोगों का अगला था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो उसके ऊपर चलते हैं। एक चीज़ याद रखना, RRB के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का RRB है ना, वो ब्रांच टू ब्रांच भी वेरी कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि अगर दो ब्रांच में तुम्हें अलग अलग स्ट्रक्चर दिख जाए, वो पर्टिकुलर उस एरिया में एंड लाइक कौन से बिजनेस में वो RRB इन्वॉल्व है
उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जनरली इसमें 6 से 7 डिपार्टमेंट होते हैं आरआरबी के हर उसमें, जिसमें सबसे ऊपर आते हैं, जैसे कि हर जगह होता है, सबसे ऊपर मेरे आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरे तीनों जगह से आ रहे हैं, सेंट्रल उससे भी आ रहे हैं, स्पॉन्सर्ड से भी आ रहे हैं, स्टेट से भी आ रहे हैं। फिर आता है मेरा चेयरमैन और एमडी, एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। एमडी के नीचे मेरा आता है जीएम, जीएम यानी कि जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के बाद मेरे चीफ मैनेजर या फिर रीजनल मैनेजर्स, उसके नीचे मेरे नॉर्मल मैनेजर्स, और लास्ट में असिस्टेंट मैनेजर या ऑफिसर्स, और एक और ले लो चाहे इसके नीचे असिस्टेंट्स, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जी। उसके बाद एक चीज़ और, जो मेरी आरआरबीज है दे आर रेगुलेटेड बाय नाबार्ड। नाबार्ड में पिछली वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, वहाँ से पढ़ा जा सकता है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ख़त्म, एंड मोर ऑर लेस ये आरआरबीज भी फिनिश होते हैं। इसके बाद फंक्शंस और इम्पोर्टेंस है। फंक्शंस और इम्पोर्टेंस में मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स वाला ही सेक्शन कवर कर लेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके अलावा एक दो छोटी छोटी चीज़ें में आरआरबीज के बारे में और देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है बट लेकिन अगर आपको कंटेंट बनाना तो उसमें कर सकते हो। करेंटली 56 आरआरबीज हैं इस समय इंडिया में, ठीक है। आरआरबीज जो हैं दे आर रेगुलेटेड बाय नाबार्ड, नाबार्ड मेन बॉडी है। उसके अलावा आरआरबी में 3 शेयर होल्डर्स होते हैं मेरे, सेंट्रल, स्टेट और स्पॉन्सर्ड बैंक। सेंट्रल का होता है 50, स्टेट का होता है 15 और 35 होता है मेरा स्पॉन्सर्ड बैंक का। फर्स्ट आरआरबी मेरी प्रथमा बैंक थी, जो कि मुरादाबाद यूपी में इस्टेब्लिश हुई थी, जिसका मेरा स्पॉन्सर्ड बैंक सिंडिकेट बैंक था, ठीक है। इसी के साथ आरआरबीज भी फिनिश होते हैं। इसके अलावा अगर आरआरबीज से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करो या हमें मेल भेजो, हम डेफिनेटली उस पर वर्क करेंगे। उसके अलावा प्लीज़ हम लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कॉलेज ट्यूटर को फॉलो करिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले एंड हम लोग ऐसे आपको हेल्प करते रहें। इसके अलावा और आगे हम लोग लाइव सेशंस भी अब प्लान कर रहे हैं, जिसमें जब भी एग्ज़ाम्स वगैरह हुआ करेंगे उससे 1 नाइट या 2 नाइट्स तक 1 बाय 1 हम लोग सारे टॉपिक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कवर करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, जस्ट हमें एडवांस में हमारा जो कि ईमेल है collegeprotutor@gmail.com, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी है, उस पर जस्ट हमें नोटिफाई कर दीजिएगा कि आपके एग्ज़ाम वगैरह कब है एंड उसका सिलेबस क्या क्या है। थैंक यू।